नेपाल में तारा एयरलाइंस का विमान लापता हो गया है, जिसमें 4 भारतीय सहित 22 यात्री भी सवार थे। न्यूज एजेंसी ANI ने हवाई अड्डा अधिकारी के हवाले से खबर दी है कि तारा एयर के जुड़वा इंजन वाले विमान में 19 यात्री सवार थे, जिसने पोखरा से जोम सोम के लिए सुबह 9:55 पर उड़ान भरा था। उड़ान भरने के बाद इसका संपर्क टूट गया। नेपाल मीडिया की माने तो लापता विमान में 4 भारतीय और 3 जापानी नागरिक सवार हैं। शेष यात्री नेपाली नागरिक हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर को लेटे मस्टैंग के लिए रवाना किया गया है। जिला पुलिस कार्यालय मस्टैंग के DSP रामकुमार दानी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि हम तलाशी अभियान के लिए इलाके में हेलीकॉप्टर तैनात कर रहे हैं। नेपाली सेना के प्रवक्ता नारायण सिलवाल ने बताया कि नेपाली सेना के एक MI-17 हेलीकॉप्टर को लेटे मस्टैंग के लिए रवाना किया गया है, जो लापता तारा एयर विमान का संदिग्ध दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है। इलाके में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश, बताया जा रहा है कि विमान से जोम सोम पर्वतीय शहर के लिए 15 मिनट की निर्धारित उड़ान भरी थी। उसका उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद हवाई अड्डा टावर से संपर्क टूट गया। पुलिस अधिकारी रमेश थापा ने बताया कि ट्विन ओटर विमान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और तलाश अभियान जारी है। विमान संचालन सामान्य है। इस मार्ग पर विमान पर्वतों के बीच उड़ते हुए और फिर एक घाटी में उतरते हैं। यह उन विदेशी पर्वतारोहियों के बीच लोकप्रिय मार्ग हैं जो पर्वतीय मार्ग पर चढ़ाई करते हैं। यह मुक्तिनाथ मंदिर जाने वाले भारतीय और नेपाली तीर्थयात्रियों के लिए भी लोकप्रिय मार्ग है।